हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों, मैंने आपको कल भौतिक विज्ञान का पार्ट वन कंप्लीट कराया था, तो दोस्तों आज मैं भौतिक विज्ञान का पार्ट टू लेकर आया हूँ। दोस्तों, समय बचा नहीं है, पेपर एक से लगे हुए हैं आगे पीछे, तो जोड़ दीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, इसे आपको सरकारी नौकरी मिलने में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से जितना भी मेरी तरफ से हेल्प होगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट टू। पहला दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो दोस्तों, क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अग्र या जूल? तो दोस्तों, दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंडेला मात्रक है ज्योति फ्लैक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? तो दोस्तों, कंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का? तो दोस्तों, जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। कल मैंने आपको पहले पार्ट में, भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट में कब बताया था कि जूल किसकी इकाई, इसके बारे में पूरा प्रोफार्मा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969 में, 1971 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में? तो दोस्तों, मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है वो 1971 में लागू की गई थी। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए, ये अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए कैलोरी, बी केल्विन, सी जूल, डी अग्र? तो दोस्तों, खाद ऊर्जा को हम कैलोरी की इकाई से माप सकते हैं दोस्तों। तो आंसर होगा कैलोरी दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिए, ये भी अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, बोल्ट या कूलबम? एम्पियर, ओम, बोल्ट, कूलबम? तो दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई है वो एम्पियर है, एम्पियर से मापी जाती है दोस्तों, ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको आज बता रहा हूँ वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कृपया करके आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए इन प्रश्नों को। नेक्स्ट है दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है या मीटर है? तो दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई का माप है डायोप्टर, ये भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डेसीमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसीमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? तो दोस्तों, डेसीमल को नापने के लिए जो प्रयोग
उपयोग इकाई में लाई जाती है वो है दोस्तों वातावरण में ध्वनि। आंसर होगा ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये भी अक्सर दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। दसवां दोस्तों एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो दोस्तों एम्पियर की मापने की वो इकाई जो है नापा जाता है वो करंट से नापा जाता है दोस्तों। आंसर होगा ये दोस्तों बी करंट। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये दोस्तों रेलवे में टीसी में 2008 में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों थंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है, थंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है, डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेंटीमीटर। एक बार आप और देख लीजिए, थंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है, ए डाइन सेंटीमीटर, सॉरी डाइन ऑब्लिक सेंटीमीटर, बी है दोस्तों न्यूटन ऑब्लिक मीटर, सी है दोस्तों न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर, डी है दोस्तों मीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेंटीमीटर। तो दोस्तों थंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई वो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों। आंसर ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं सावेग, सॉरी आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो दोस्तों भौतिक राशियों के समान जो विमीय सूत्र है वो है बल एवं दाब। ये भी दोस्तों रेलवे में क्वेश्चन ये आ चुका है आरआरबी में 2015 में दोस्तों। ये भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों एक खगोलीय इकाई संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी है दोस्तों चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी है दोस्तों सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खगोलीय इकाई से संबंधित जो है वो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से दोस्तों। आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है दोस्तों, बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो दोस्तों वेक्टर मात्रा जो है वो है बल दोस्तों, वेक्टर मात्रा से इसकी बल से पहचान की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों मैंने कल आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पूरी जानकारी दी थी, पूरी पूरा कंप्लीट करा था चैप्टर की सदिश राशि कौन सी, अदिश राशि कौन सी है। तो आज दोस्तों वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान है जो ये सदिश राशि नहीं है दोस्तों। ये भी दोस्तों रेलवे में पूछा जा चुका है 2008 में, एसम में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। दोस्तों आइए इसमें से कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें से जो अदिश राशि है वो है ऊर्जा। ये भी दोस्तों एसएम में पूछा जा चुका है 2008 में, एसएम में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो दोस्तों इसमें से जो सदिश राशि है वो है संवेग दोस्तों। ये भी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी दोस्तों, इसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो दोस्तों इसमें से जो सदिश राशि नहीं है वो है आयतन दोस्तों। आंसर होगा डी। ये भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, ये भी एसएम में 2008 में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसमें से दोस्तों दोस्तों कौन सी सदिश राशि है ये क्वेश्चन में है दोस्तों। तो वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो दोस्तों सदिश राशि जो है वो है वेग। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी में 2012 में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो दोस्तों व्युत्पन्न परिमाण जो है नहीं है वो है द्रव्यमान दोस्तों। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप तैयार करना पड़ेगा आपको दोस्तों, एक बार देख लीजिए और अपने माइंड में फीड कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो है द्रव्यमान दोस्तों। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बीमा एमएलटी स्क्वायर किसके अनुरूप है दोस्तों? बीमा एमएलटी स्क्वायर किसके अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण या वेग। बीमा एमएलटी स्क्वायर किसके अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण, वेग। तो दोस्तों बीमा एमएलटी जो है वो बल के अनुरूप है दोस्तों। आंसर होगा ए दोस्तों। ये दोस्तों बहुत मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको भी आप तैयार कर लीजिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए और माइंड में आप फीड कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन एसएससी में दोस्तों पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में दोस्तों 2013 में दोस्तों। ये मैंने जब पेपर दिया था 2013 में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपके लिए ले लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों लड़की झूला पर बैठती है तो उसके दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा दोस्तों। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम और दूसरे नियम और तीसरे नियम के बारे में मैंने कल आपको कंप्लीट कराया था, कल के पार्ट वन में, भौतिक विज्ञान के पार्ट वन में दोस्तों। तो दोस्तों न्यूटन के पहले नियम में है जड़त्व का नियम दोस्तों। आंसर होगा बी। ये भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, को भी आप देख लीजिए और माइंड में फिट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है, मैंने कल आपको बताया था। तो कार्य का मात्रक जूल होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है ये। ये भी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको भी तैयार कर लीजिए और अपने माइंड में फीड कर लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।